चारधाम यात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन के लौटाए जा रहे तीर्थ यात्रियों को कांग्रेस ने दुखद बताया। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि एक बार तीर्थ यात्री जब उत्तराखंड आ गए हैं तो उसे वापस भेजना हमारे अतिथि देवो भवा के सिद्धांत के खिलाफ है। एक तरफ तो सरकार का कहना है कि रजिस्ट्रेशन कराकर तीर्थ यात्री चारधाम पर आए, वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की साइट खुली नहीं रही है। सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री के बयानों में इतना विरोधाभास है कि तीर्थ यात्री कन्फ्यूज हो गया है कि वह करे तो करे क्या। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अब जब यात्रा और यात्री दोनों ही सरकार के हाथों से खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में नए नए प्रयोग कर तीर्थ यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के जिन लोगों को लौटाया जा रहा है, किस रूप में देखती हैं? इस बात का फैसला सरकार को समय रहते करना चाहिए था। एक बार यात्री उत्तराखंड आ गया, उसको आप इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं और वापस बेरंग भेज रहे हैं, ये हमारे अतिथि देवो भाव की संस्कृति से बिल्कुल उलट है। और तो और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका खुल नहीं रहा है, लोगों को ऋषिकेश जाने के लिए ताकीद किया जा रहा है। ऐसे में व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ, इतनी कन्फ्यूजन की स्थिति है, कोई समन्वय आप लोगों का आपस में दिखाई नहीं पड़ता। हर मंत्री अलग भाषा बोल रहा है, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, मुख्यमंत्री, अगर इन सबके बयान आप चारधाम यात्रा को उठाकर देखेंगे तो आपस में कोई तालमेल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि यात्री और यात्रा दोनों इनके हाथों से सरकती इनको नजर आ रही है तो ये नए नए प्रयोग करने पर उतर आए हैं और यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। बड़ा भाई कहते हैं आप उत्तर प्रदेश को, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की मांग की थी आपने, क्यों नहीं व्यवस्था कर रहे हैं आप बसों की? क्यों यात्रियों का बजट जो है बिगड़ रहा है परिवहन और ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से, और ये पंजीकरण वाला नया राग शुरू कर दिया।